पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मीर अब्दुल कुद्दूस भी जंजो सबको एक सब दोस्तों को मिलाकर चलाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ बलूचिस्तान का मसला बहूबी वो समझते हैं, उसको हर चीज़ का इल्म भी है, खासकर हमारे इलाका मकरान में लोगों का जरिया माश वहाँ पे बॉर्डर है। बॉर्डर तो ऐसे माफिया के हाथों में है, गरीब लोग वहाँ पे बिल्कुल कोई काम भी नहीं करते हैं। मुझे अफसोस होते हैं ये माफिया लोग गाड़ी वाले बेशक एक महीना तक इंतज़ार करते हैं, गरीब लोगों को वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं मीर कुद्दूस अब्दुल बीजन जो से अपील करता हूँ वो कोई पॉलिसी बनाएं, वफाक से बात करें, कोई तरीक़ाकार कोई कानूनी सूबे भी सूबे को भी फायदा मिले, अवाम गरीब अवाम को भी फायदा मिले। कम से कम 40 लोग इसी बॉर्डर के जरिए इसका रोज़गार यही बॉर्डर के जरिए होते हैं, और हमारे इलाके में और कोई काम वगैरह वहाँ पर नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ मीर अब्दुल कुद्दूस को अच्छे तरीके से एक पॉलिसी बनाएं, कोई राय अमल तय करें, लोगों को रोज़गार मिले। मैं उम्मीद करता हूँ मीर कुद्दूस अब्दुल बिजनजो साहब इंशाल्लाह सबको दोस्तों को एक अपने बाई तरीके सबको चलाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ पोजीशन के साथ भी अच्छाई करेंगे, चूँकि पहले भी दोस्तों ने पोजीशन के साथ नाइंसाफ़ी किया, जिसने नाइंसाफ़ी किया वो तारीख याद करेंगे, जो अच्छाई करेंगे तारीख उसको याद करेंगे। ये सीटें आने जाने का चीज़ है, इंसान ईमानदारी मुखलसाना अपने सलाहियतों के साथ काम करें, अल्लाह ताला उसको गैबी मदद देते हैं। जो काम नहीं करते उसको तारीख भी याद करते हैं, उसके सामने जो चीज़ें वाजे हैं बार बार चीज़ों का हम नहीं दोहराते हैं। वो ऐसा काम करें पूरे बलूचिस्तान के अवाम उसको याद करें, उसको कहें वाकई ऐसा वजीर आला आया, ऐसा तब्दील आया। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह मीर कुद्दूस बिजनजो सबको दोस्ताना तौर पर भाइयों तरीके से चलाएंगे, सबको इंशाल्लाह जो मसला है उसका हल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको हिम्मत भी देंगे, हम उसका दुआ भी हैं इंशाल्लाह ताला। बलूचिस्तान को बा ईमानदारी बा सलाहियत एक रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ, खासकर गरीब लोग हमारे इलाके के वाले गरीब पूरे बलूचिस्तान के लोग तालीम याफ्ता लोग नौकरियाँ वहाँ पे लोगों को बेचते हैं। मैं अपील करता हूँ मीर कुद्दूस बिजनजो के साथ हर नौकर रिश्ते के खुद वो निगरानी करें, हर देश को खुद चेक करें, कमेटी बनाएं, लोगों का जो मेरिट होते हैं जो हक होते हैं उसका मिलना चाहिए। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया।